एवरीवन, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड कंप्लीट किए थे। नाउ अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ से। ओके, देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, प्लीज़ रीडिंग जरूर करें, जब क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस आते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है मैथ्स में सॉल्यूशन आता है बट वो क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार सीरियसली ज़रूर रीड करें। हाउ मैनी डिजिट, क्या कहा है उन्होंने, हाउ मैनी डिजिट, इसमें हमें ये बताना है कि कुल डिजिट कितनी हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का हम। 98,000, तो पहले तो हमें इसको वर्ड्स में, सॉरी, न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। ओके, तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पर 1000 तक बोला है, मैं पहले 1000 तक की प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड देन 10,000, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, दैट इज 10,000, 1,000, 100, 10 and 1। अब किसके ऊपर बोला है इन्होंने 98,000, इट मीन्स ये वाली चीज़, ये 1000 है, 98। अब इसके आगे कोई और नंबर हमें दिया ही नहीं है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 0। नाउ अगेन स्पीक दिस 98,000। ओके, इजीली आपको लिखना आ गया। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था, केवल डिजिट काउंट करनी थी। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, हाउ मेनी डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, नाउ माय आंसर इज 5, हाउ मेनी डिजिट्स, 5 डिजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है लैक तक, कहाँ तक दे रखा है, लैक, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, देन लैक। ओके, कितना दिया है, ओनली 7 लैक, तो मैं यहाँ 7 लिख देती हूँ, बाकी प्लेसेस पर क्या आ जाएगा, 0, 0, 0। हाउ मैनी डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माई आंसर इज 6 डिजिट, हाउ मैनी डिजिट, 6 डिजिट। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द पीरियड्स, क्या करने हैं हमें, मार्क द पीरियड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब पहली बात तो ये चीज़ क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप जब नॉर्मली कोई नंबर ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरीके के कॉमास लगे हुए होते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीरियड्स। ओके, बहुत इजी फॉर्मेट है, मैं आपको एक कॉमन फॉर्मेट बता देती हूँ ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। यस, इसका प्रोनाउंसिएशन आप सभी को आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़, 10 करोड़। ओके, आई होप आपको इतनी प्लेस वैल्यू तो अब याद हो गई होगी। तो नाउ अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये तीनों एक ही पार्ट माना जाता है वंस का, किसका, वंस का, तो सबसे फर्स्ट पीरियड तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों क्या है, 1000 का पार्ट है, तो फिर हमारा 2 नंबर के बाद कॉमा लगता है। ये दोनों किसका पार्ट है, लैक का पार्ट है, लैक एंड 10 लैक, तो फिर ये एक हमारा कॉमा लग जाता है, देन करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, सिंपल सी बात कहूँ तो लास्ट के 3 नंबर के बाद कॉमा लगाना है, फिर हर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाना है। आई एम रिपीट, लास्ट 3 नंबर के बाद कॉमा लगाना है, देन हर 2 नंबर के बाद हमें कॉमा लगाना है। तो अगेन मैं यहाँ एक डिजिट लिख, ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैंने कहा था लास्ट 3 नंबर, 1, 2, 3, फर्स्ट पीरियड यहाँ हो जाएगा, फिर
अगेन दो नंबर के बाद एक और कॉमा. नाउ दैट इज योर आंसर. इट मीन्स बच्चा इस वर्ड को देख के कंफ्यूज होता है, करना क्या था, खाली कॉमा ही लगाना है. और इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर फर्स्ट थ्री नंबर के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद हर दो नंबर के बाद कॉमा लगते हैं. ओके, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. इसमें डिजिट है 2, 5, 9, 6, 3, 2. नाउ फर्स्ट थ्री नंबर के बाद कॉमा, फिर दो नंबर के बाद कॉमा. नाउ आंसर. इजी बेटा. ओके, नाउ अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म. आपको यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म लिखनी है. बहुत इजी तरीका है एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का. सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 5. इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. फिर हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन. फिर कौन सा डिजिट है नेक्स्ट, 8. 8 के पीछे कितनी डिजिट है, 1, 2, 3. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है. नेक्स्ट 9. हाउ मेनी डिजिट, 2. नाउ 2 ज़ीरोज. ओके, नेक्स्ट नंबर इज 6. हाउ मेनी नंबर बिहाइंड, 1. नाउ 1 ज़ीरो. एंड देन लास्ट 3, नो नंबर. ओके, तो कोई हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे. तो ये है ना बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग. ये फॉर्मेट को या ये फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं, एक्सपांडेड. प्लीज़ ये टर्म याद कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. फनी क्वेश्चन सकते हैं, बट बच्चों को वर्ड याद नहीं रहता तो वो क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं. तो कौन सी स्टेप, कौन सी फॉर्म करी हमने, ये एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड का मतलब क्या होता है, विस्तार से बताइए, डिटेल में बताइए. एक्सपांडेड का मतलब क्या है, डिटेल में. तो इस नंबर का हमने पूरा डिटेल पार्ट बता दिया है. ओके, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. देखो सबसे पहले क्या है, 1, कितने ज़ीरो हैं लगाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ फिर प्लस. बहुत से बच्चे प्लस का साइन लगाना भी भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना है. एक्सपांडेड फॉर्म में हम प्लस का साइन तो लगाएंगे ही. नेक्स्ट नंबर है आपका 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ओके, नेक्स्ट है 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. फिर है 4. 4 के बिहाइंड 2 नंबर्स. देन 9. 9 के पीछे 1 नंबर. और लास्ट नंबर इज 3. नाउ इट इज योर आंसर. इजी. चलो क्वेश्चन नंबर 7 अब हमें क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म. अब हमें इसे किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो प्लीज़ इनकी जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर आप प्लेस वैल्यू ज़रूर लिख दें, उससे आपकी यहाँ मिस्टेक नहीं होगी. समझना ध्यान से. ये है वंस की पोजिशन, ये है 9 की पोजिशन. कौन सी, वंस और टेंस. 9 की पोजिशन कौन सी है, 10. वंस, टेंस, 100, 1000. 6 की पोजिशन कौन सी है, 1000. तो देखो इन दोनों के बीच में क्या मिसिंग है, 100 मिसिंग है. तो ये बात ध्यान रखना. वापस बोल रही हूँ, ये वंस की पोजिशन, ये वंस और टेंस. 9 की कौन सी पोजिशन है, टेंस. 6 की वंस, टेंस, 100, 1000. तो 6 की पोजिशन हो गई 1000. तो बीच में 100 वाला नंबर तो आया ही नहीं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो 5 की पोजिशन कौन सी हो गई, 10,000. अब मैं यहाँ प्लेस वैल्यू लिखती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 लिख दिया. चलो वंस पे कौन सा गेस्ट आया था हमारा, 3. तो हमने 3 की कुर्सी पर उसको बिठाया. टेंस की कुर्सी पर कौन आया था, 9. ओके, 100 की कुर्सी पर तो कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ किसको बिठाएंगे, 0 को.
थाउजेंड की चेयर पर कौन बैठेगा? सिक्स. कौन बैठेगा? सिक्स. और 10,000 की चेयर पर कौन बैठेगा? फाइव. नाउ दिस इज योर शॉर्ट फॉर्म. ओके, चलो अब हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं. वंस एट की पोजीशन, वंस एंड टेंस. इसकी वंस टेंस हंड्रेड, इसकी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड. ओके, चलो हमने सबकी प्लेस वैल्यू पता कर लिए. अब हम चेयर लगा देते हैं. वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं हमारे पास. ओके, तो वंस की कुर्सी पर कौन सा मेंबर है? सेवन. टेंस की कुर्सी पर एट. हंड्रेड की चेयर पर, देखो वर्ड भी याद हो रहे हैं ना, हंड्रेड की चेयर पर नाइन और थाउजेंड की चेयर पर सिक्स. ओके, दो नई चीज भी सीख ली, चेयर एंड कुर्सी. कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं और चेयर को हिंदी में हम कुर्सी भी कहते हैं. ओके, तो एक चीज़ और सीखी और साथ में हमने शॉर्ट फॉर्म भी लगाना सीख लिया है. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 78,912. तो जिसको आता है तो प्लीज़ मुझे इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आंसर है. एक बार मैं और एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? और जिसे पहले से आता हो तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं. ओके, तो इसका प्लेस वैल्यू हम डिसाइड कर लेते हैं. ये है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ओके, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले देख लेते हैं, टू वंस की प्लेस वैल्यू पर तो सभी पर आ रहा है, वन भी टेंस की प्लेस वैल्यू पर सभी पर आ रहा है. अब नाइन की पोजीशन क्या है? हंड्रेड. तो यहाँ तो खाली नाइन्टी दी है टेंस की, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है. नाइन हंड्रेड, नाइन हंड्रेड. ओके, फिर है एट थाउजेंड की पोजीशन पर, एट थाउजेंड, एट थाउजेंड. सेवन है 70,000 की पोजीशन पर है, तो देखो यहाँ 7,000 लिखा है, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी. ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है? तो प्लीज़ 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आप क्वेश्चन कॉपी में करेंगे. फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, Now, thank you very much.